दोस्तों भारत में एक से बढ़कर एक किले हैं जो अपनी भव्यता के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ कई ऐसे किले मौजूद हैं जो सदियों से अपने इतिहास की कहानी को बयां कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है जिंजी का किला, जिसे दुनिया जिंजी दुर्ग या सेंजी दुर्ग के नाम से भी जानती है। इस किले की खूबसूरती ये है कि इसे 7 पहाड़ियों पर निर्मित कराया गया है, जिनमें कृष्णगिरी, चंद्रगिरी और राजगिरी की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। इस किले की गिनती देश के उत्कृष्टम किलों में होती है। पुडुचेरी में स्थित इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में संभवतः चोल राजवंशों द्वारा करवाया गया था। क्योंकि ये किला पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए आज भी पर्यटकों को इसके राज दरबार तक पहुंचने के लिए 2 घंटों की चढ़ाई करनी पड़ती है। ये अद्भुत किला ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और पहाड़ी पर होने की वजह से इसे काफी कठिनाइयों से बनाया गया है, जिसकी वजह से पहले के समय में दुश्मन भी इस पर आक्रमण करने से पहले कई बार सोचते थे। इन्हीं खूबियों के कारण छत्रपति शिवाजी ने इसे भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग कहा था। वहीं अंग्रेजों ने इसे पूरब का ट्रॉय कहा था। वैसे तो इस किले के ऊपर हर साम्राज्य अपना अधिकार बताता है, लेकिन आपको बता दें कि ये किला करीब 1800 साल पुराना है और इस किले का निर्माण चोल वंश के राजाओं ने कराया था। जिंजी किले का इतिहास इसकी वास्तुकला की तरह ही जटिल और दिलचस्प है। ये किला मूल रूप से 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजवंश द्वारा राजगिरी पहाड़ियों पर एक छोटे पहाड़ी किले के रूप में बनाया गया था। किले का बाद में 14वीं शताब्दी ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य द्वारा विस्तार और विकास किया गया, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम सेंजी रखा, जिसके बाद ये किला उनकी शक्ति और महिमा का प्रतीक बन गया, जो कि कई मंदिरों और स्मारकों से सुसज्जित है। ये किला दूर से देखने में जितना सुंदर और मनमोहक दिखता है, उतना ही ये अंदर से रहस्यमयी है। सदियों से इस किले पर कई बार नियंत्रण हुआ, क्योंकि विभिन्न राजवंशों और शासकों ने इसके नियंत्रण के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। उनमें से सबसे उल्लेखनीय नायक थे शिवाजी। उन्होंने जीते जी इस किले की रक्षा की। शिवाजी महाराज इस किले को पूरी तरह से जानना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इस किले के अंदर काफी समय व्यतीत किया, ताकि वो इस किले के बारे में अच्छे से जान सकें। लेकिन इस किले के तहखाने के बारे में उन्हें कभी पता नहीं चल पाया। उन्होंने इस बात को कहा भी कि ये किला एक अभेद्य किला है, जिसके बारे में चोल वंश के अलावा कोई नहीं जानता है, और चोल वंश का अंत तब तक हो चुका था। असल में इस किले के बारे में कहा जाता है कि जब चोल वंश के राजाओं ने ये किला बनवाया, तो उन्होंने अपने सारे कीमती हथियार और खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इस किले में एक तहखाना बनवाया था। उस तहखाने का एक ही दरवाजा था, जो कि किले की छत से था। हालांकि छत में ऐसा कोई दरवाजा कभी किसी को नहीं मिला, लेकिन शिवाजी महाराज का कहना था कि किले की छत पर जो बड़ा पत्थर रखा है, जिसे किले की शोभा बढ़ाने के लिए रखवाया गया था, उसी पत्थर से एक रास्ता तहखाने की तरफ नीचे की ओर जाता है। लेकिन वो दरवाजा कैसे खुलेगा और पत्थर के किस तरफ से खुलेगा, ये किसी को नहीं पता है। हालांकि शिवाजी को धन का कोई लोभ नहीं था, इसलिए उन्होंने धन और खजाने को ढूंढा भी नहीं। मराठों के बाद जब ये किला मुगलों के हाथ में आया, तब मुगलों ने भी तहखाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आपको बता दें कि इस किले के अंदर कई सारे गुप्त रास्ते और खुफिया सुरंगें हैं, जो कि चोल राजाओं के दूसरे राज्य में निकलती हैं। इन खुफिया सुरंगों से कई रास्ते निकलते हैं, जो कि महल के पीछे बनी खाई की तरफ जाते हैं। खजाने के चक्कर में मुगलों ने अपने ना जाने कितने ही सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन थक हार कर जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा, तो मुगलिया सल्तनत ने ये सोचा कि इस किले को ही बारूद लगाकर उड़ा देते हैं, जिसके चलते उन्होंने किले की दीवार के चारों ओर बारूद लगा दिया। लेकिन जो हुआ वो चौंका देने वाला था, क्योंकि बारूद से भी किले के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद मुगल सम्राटों ने इस किले को तोड़ने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन इस किले को कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद उन्होंने इस किले के रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों आपको बता दें कि चोल वंश के राजाओं ने इस किले के अंदर दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की नक्काशियां बनवाई हुई थी, जिन्हें मुगलों ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। हालांकि आज भी इस नक्काशी में आपको माँ दुर्गा, शिव जी और कृष्ण जी की मूर्तियां साफ समझ में आ जाएंगी। दोस्तों जब मुगल साम्राज्य का आखिरी सम्राट मुगल साम्राज्य की गद्दी पर था,
उसी समय किले के बारे में अंग्रेजों को खबर मिली, जिसके चलते अंग्रेजों ने मुगलों का अंत करके इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इस किले पर सैनिकों द्वारा खोजबीन शुरू कराई। लेकिन उन्हें भी खाली हाथ ही निराश होना पड़ा। अंग्रेजों के बारे में तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने सैनिकों की अलग अलग टीम बनवाई और करीब 6 महीने तक खोजबीन करवाई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि अंग्रेजों ने उस समय ब्रिटेन से कुछ मशीनें भी मंगवाई थी, जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि जमीन के अंदर किस जगह पर धातु है। लेकिन जब ये मशीन किले के पास ले जाई गई, तो उन मशीनों में कुछ न कुछ दिक्कतें आने लगी, जिसके बाद अंत में थक हार कर अंग्रेजों को भी हार माननी पड़ी। लेकिन अंग्रेजों ने इस किले की तारीफ बहुत की थी। उनका कहना था कि ऐसा किला उन्होंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा है और पूरी दुनिया में ऐसा किला कोई दोबारा नहीं बना सकता है। चलिए दोस्तों, अब आपको इस किले के तहखाने के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये तहखाना कोई झूठ नहीं बल्कि बिल्कुल सच है और इसमें सच में इतना खजाना है कि आज भी पूरे भारत की गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन ये तहखाना एक सुरंग से होकर गुजरता है, जिसके बारे में ठीक से किसी को पता नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिंजी के किले के कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर आज भी शोध जारी है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले पुरातत्व टीम ने इस किले के अंदर एक ऐसी खुफिया सुरंग खोजी है जो कि भूल भुलैया जैसी है। अगर इस भूल भुलैया के सही रास्ते पर चला जाए तो ये किले से बाहर की ओर निकलती है, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर भटक जाते हैं तो वो रास्ता आपको किले के पीछे खाई की ओर ले जाता है, जहाँ पर असली खजाना छुपा है। लेकिन ये अभी भी रहस्य ही है। ये किला आज एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में बहुत फेमस है। ऊंचाई पर होने की वजह से ये किला ट्रैकिंग करने वालों की फेवरेट जगह है। ट्रैकिंग करने वाले यहाँ पर हर मौसम में आते रहते हैं। इस किले के बारे में एक बात बहुत फेमस है, वो ये कि इस किले के अंदर रहने वाला व्यक्ति बाहर के हमलों से हमेशा बचता रहता है, क्योंकि इसकी बनावट कुछ इस तरह से ही की गई है और उसी चीज को देखने के लिए यहाँ पर विदेशी सैलानी ज्यादा आते हैं। आपको शायद यकीन भी नहीं होगा कि इस किले को डेक्कन सुल्तान, मुगल, मराठा, फ्रांसीसी और ब्रिटिश जैसे विभिन्न दुश्मनों के कई हमलों और घेराबंदी का भी सामना करना पड़ा। इनमें से सबसे प्रसिद्ध 1677 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी द्वारा किया गया घेरा था। किले की ताकत और सुंदरता से प्रभावित होकर शिवाजी ने 8 वर्षों तक किले की घेराबंदी की और अंततः 1684 ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने इसे भारत का सबसे अभेद्य किला कहा और अपने बेटे राजा राम को किले का गवर्नर नियुक्त किया था। दोस्तों, जिंजी किले की वास्तुकला विभिन्न शैलियों और प्रभावों का मिश्रण है, जो इसके शासकों और कालखंडों की विविधता और विरासत को दर्शाती है। ये किला लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 3 पहाड़ियों राजगिरी, कृष्णागिरी और चंद्रयान दुर्ग पर स्थित है। ये किला दीवारों और खाइयों से घिरा हुआ है और इसमें 7 द्वार हैं। प्रत्येक द्वार का अपना नाम और डिजाइन है। किले का मुख्य गढ़ राजगिरी है, जो लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंची और सबसे बड़ी पहाड़ी पर स्थित है। ये किले का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें कई स्मारक और संरचनाएं हैं, जैसे कल्याण महल, रंगनाथ मंदिर, कमलाकनी मंदिर, अन्न भंडार, तालाब, दर्शक कक्ष और जेल। इस गढ़ में एक वॉच टावर भी है, जहाँ से पूरे किले और आसपास का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। किले का दूसरा गढ़ कृष्णागिरी है, जो लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर राजगिरी के सामने पहाड़ी पर स्थित है। ये किले का सबसे नया और सबसे छोटा हिस्सा है और इसे 17वीं शताब्दी ईस्वी में नायकों द्वारा बनवाया गया था। इसमें कुछ संरचनाएं शामिल है, जैसे कृष्णागिरी मंदिर, अन्न भंडार और तालाब। इस गढ़ में एक तोप भी है, जिसका उपयोग दुश्मनों पर गोली चलाने के लिए किया जाता था। किले का तीसरा गढ़ चंद्रयान दुर्ग है, जो लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर राजगिरी के उत्तर में एक पहाड़ी पर स्थित है। ये किले का सबसे अलग और सबसे कम पहुंच वाला हिस्सा है और इसे 17वीं शताब्दी ईस्वी में नायकों द्वारा बनवाया गया था। इसमें कुछ संरचनाएं शामिल हैं, जैसे चंद्रमौलेश्वर मंदिर, अन्न भंडार और तालाब। इस गढ़ में एक गुप्त सुरंग भी है, जिसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में किले से भागने के लिए किया जाता था। किले की दीवारों के बाहर भी कुछ आकर्षण है, जैसे राजगिरी किला, कल्याण महल, रंगनाथ मंदिर, वेंकटरमण मंदिर, मेल सीतापुर जैन मठ और तिरुवन्नामलाई अरुणालेश्वर मंदिर। ये किले के पास कुछ दार्शनिक स्थल हैं। इस किले में कई रहस्य और चमत्कार हैं, जो जिज्ञासु और साहसी लोगों का इंतजार करते रहते हैं, जैसे कि वॉच टावर, तोप,
गुप्त सुरंग और भूमिगत कक्ष। इस किले का रहस्यों से पुराना रिश्ता रहा है जो इसके आकर्षण को और ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि नाग देवी कमलकनी की कहानी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किले की रक्षा करती हैं, और साथ ही कहा जाता है कि इस किले में शिवाजी महाराज जी के बेटे राजा राम की आत्मा है जो कि सदैव इस किले की रक्षा करती है। तो दोस्तों, ये है भारत का सबसे भव्य और सबसे रहस्यमय किला, जिसके आज भी कई रहस्य अनसुलझे ही हैं। इतना सब कुछ जानकर आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।